एकदम प्यारे छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा, एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी अहम खबर निकल करके सामने आ रही है। गाइस, जैसे ही आपको इस खबर का पता लगेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप बेचैन हो जाओगे, जी जान लगा दोगे। आप सोचोगे कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेकर के ही आऊंगा, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है कक्षा 9 से लेकर 12 छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एमपी के शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है, COVID-19 का नया वेरिएंट जो आ रहा है इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाइज, आपको पता ही हो, संडे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अहम अर्जेंट इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नए वेरिएंट ने कई देशों में दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब सतर्क हो गई है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने अपने फैसले वापस लेते हुए स्कूलों को द्वारा से 50% की क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दे दिए। जी हां गाइस, अब से एमपी में जितने भी स्कूल है 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। यानी बच्चों को 3 दिन स्कूल जाना है, 3 दिन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बाकी 3 दिन की पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से होगी। सबसे अहम खबर यह है, शिक्षा मंत्री का बयान आया हुआ है। यहां पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने ऐलान किया है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, अगर प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैलता है तो परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ सकती है। जी हां गाइस, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए। परीक्षा की डेट है आगे बढ़ सकती है। अगर कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो गाइस परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में त्रैमासिक परीक्षाएं जो आपकी हुई हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी हुई हैं, इन दोनों को मिलाकर के आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, जिससे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है। जी हां गाइस, यहां पर जो शिक्षा मंत्री है, इन्होंने एक अंदाजा, एक ऑर्डर पास कर दिया है, एक यानी संकेत दे दिया है कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। तो गाइस, अब आप सोच सकते हो ये अर्धवार्षिक परीक्षा आपके लिए कितनी ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। खुदा ना खास्ता किस कहीं ना कहीं 1% की वजह से अगर आपके पेपर वार्षिक परीक्षा नहीं होती है। आशा करता हूं आपके ट्रम्बन एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, और आपको तो पता ही होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम है वो नए एमसीक्यू पैटर्न से होंगे। एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपकी इस प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आते होंगे, इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप इस टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख रुपए तक के प्राइस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, आईपैड 12 लैपटॉप, इसके साथ साथ हेडफोन्स एंड अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज एंड गुडीज भी आप जीत सकते हो। मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं, 27 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए, शाम को 5 से 6:30 होगा। सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइज, इससे अच्छा मौका आपको ट्रम्बन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं नहीं मिल सकता है। अगर आप मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% स्टडी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए एनरोल कीजिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ऐसा यहां पर आदेश पारित कर दिया गया है। अभी की ये थी सबसे लेटेस्ट खबर जो हमने आपको प्रोवाइड कराई आज की वीडियो में। बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।